फ्रेंड्स, आज हम गुलगुले बनाने जा रहे हैं। गुलगुले सादा भी बनाए जाते हैं और मेवा डाल के ही बनाए जाते हैं, पर आज हम केला डाल के बना रहे हैं। केले का गुलगुला बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देखिए किस तरीके से बना रही हूँ। इसी के इस अनुपात से मैंने आधा आधा कटोरी इस तरीके से मैंने ये आटा लिया है, एक केला लिया हुआ है और ये इसमें डालने के लिए एक पिंच मैंने कलर लिया हुआ है और ये आधी कटोरी मैंने शुगर ली है। केला बहुत मीठा होता है, तो शुगर आधी कटोरी लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। पहले हम शुगर डाल देंगे इसमें और फिर केला हम मैश करके डालेंगे। केला देखिए हम ये मैश कर ले रहे हैं। हमने एक केला डाला है, दो भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और देखिएगा इसको हम खूब अच्छी तरीके से पकौड़े की तरह घोल लेंगे। देखिएगा इतना ही हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गया। अब हम इसके गुलगुले बनाएंगे। थोड़ा सा कलर डाल लिया है, बढ़िया सा ही हमारा देखिए घुल के तैयार हो गया। थोड़ी सी फुटकी दिख रही है वो केले की, इसको इस तरीके से आप बीट करेंगे तो वो भी आपकी मैश हो जाएगी इस तरीके से। एक चम्मच लीजिए बड़ी और भर के इस तरीके से आपको डालना, थोड़ा सा गोल हो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितने बढ़िया सी गोल गोल से बन के तैयार। ये मैं सरसों के तेल में सेक रही हूँ। सरसों का तेल खाइएगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा। चाहें तो आप कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। देखिएगा कितने बढ़िया से सिक्के तैयार हुए। आप कुछ भी चीज़ सीखें उसको थोड़ी देर पे धीमी आंच करके गैस बंद करके इस तरीके से टिका दीजिएगा। देखिएगा ये देखिएगा टिका दीजिएगा तो आपका तेल पूरा निचोड़ जाएगा ठीक से। ये देखिएगा इस तरीके से आप तेल डालिएगा, थोड़ा सा गोल इस तरीके से। ये देखिए कितने बढ़िया से सिक रहे हैं। मैंने कोई सोडा नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। देखिए फेंटना बहुत अच्छी तरीके से। देखिएगा बिल्कुल सुनहरे लाल सेकने हैं और मीडियम आंच करके ताकि अंदर तक सिक जाए। ये देखिए कितने बढ़िया सुनहरे सिक्के तैयार हो गए और हम उनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए इतने बढ़िया से हमारे एकदम सॉफ्ट बिल्कुल मालपुए की तरह ये देखिए गुलगुले बनके तैयार हो गए। ये बरसावी जी की पूजा में बनाए जाते हैं गुलगुले, और बेसन के साथ साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं जो कि बरगद कहलाते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं बेसन के बरगद और इस तरीके से मीठे वाले गुलगुले। आप लोग भी बनाइएगा। साथ में एक रेसिपी और आ रही है बेसन के बरगदों की। आप लोग जब भी चाहे इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे बनते हैं। चलिए बनाते हैं अब बरगदे बेसन के। ये देखिएगा बेसन के बरगदों के लिए हमने इस तरीके से बेसन ले लिया है। इस अनुपात से आधा कटोरी बेसन हमने लिया है और ये हमने इसके लिए ये हींग ले ली। हींग हमने आधी चम्मच ली है, हाँ आधी चम्मच करी मतलब चार पिंच समझिएगा। और ये हमने एक चम्मच नमक ले लिया है, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ले ली है और अजवाइन ली है। हींग और अजवाइन बहुत ही अच्छा स्वाद डालती है इसके अंदर। और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ दो चम्मच हमें अब मोइन इसके अंदर ज़रूर डालना है ताकि हमारे अच्छे से मुलायम से क्रिस्पी बनते हैं खस्ता। देखिए बेसन को इस तरीके से रखना, इतना ही बस। ये देखिएगा ये है इसकी, इतना हमें मिश्रण का तैयार करके रखना है। देखिएगा देखिएगा बरगदा भी सिक्के तैयार हो गए हैं और अब हम इनको प्लेटिंग कर लेते हैं। आप लोग भी बनाइएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा कितनी आसानी से कितने ईजी टेस्टी दो टेस्ट में नमकीन और मीठे में हमारे बरगदे और गुलगुले बनके तैयार हो गए। देखिएगा बरगदे कितने बढ़िया बने हैं, इतने बढ़िया, और गुलगुले भी। ये देखिएगा इस तरीके से कोई बनाइए खाइए और कमेंट कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा।